हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन मुंबई, जिसका नाम है केजे सोमिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो अगर आपको भी इस कॉलेज के बारे में जानना है तो गाइस ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी इस कॉलेज के बारे में, जैसे कैसे इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, प्लेसमेंट्स कैसा होता है, फिर ब्रांचेस क्या होता है, फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितनी फ़ीस आपको पे करना पड़ता है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी होती है, और भी बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना गाइस, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर बात करें इस कॉलेज के लोकेशन के बारे में, तो ये कॉलेज है विद्यानगर विद्या विहार ईस्ट घाटकोपर ईस्ट मुंबई में। और अगर आपको इस कॉलेज में जाना है तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप विद्या विहार रेलवे स्टेशन या लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स के थ्रू इस कॉलेज में आ सकते हो, क्योंकि ये दोनों रेलवे स्टेशन इस कॉलेज के पास ही है। इसके अलावा अगर कोई अदर डिस्ट्रिक्ट से आते हो तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है मुंबई में, जिसका यूज़ करके आप एयरप्लेन से भी आप यहाँ आ सकते हो। इस कॉलेज के नियर बाय बहुत सारे बस स्टॉप्स भी है, तो अगर आप मुंबई में आते हो तो बस के थ्रू भी आप इस कॉलेज में आ सकते हो। और अगर आपका प्राइवेट एकोमोडेशन है तो उसके थ्रू भी आप इजीली आ सकते हो, बट एक प्रॉब्लम आपको हो सकता है कि मुंबई में ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो आपको ट्रैफिक फेस करना पड़ सकता है। ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ है 1983 में। इस कॉलेज का जो टाइप है वो है प्राइवेट, और इसके अलावा ये ऑटोनोमस स्टेटस के साथ आता है। तो ये कॉलेज एक ऑटोनोमस कॉलेज है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। ये कॉलेज एफिलेटेड है सोमिया विद्या विहार यूनिवर्सिटी के साथ, और 2020 की NRF रैंकिंग से इस कॉलेज की 171, जो कि हम एक काफ़ी डिसेंट रैंक मान सकते हैं एज अ प्राइवेट कॉलेज। अगर बात हम करते हैं इस कॉलेज के कैंपस के बारे में, तो इस कॉलेज का कैंपस काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा है, जिसमें आपको गुड इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स मिल जाएगी। लैब्स, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, जिम्स और भी जितनी भी नेसेसरी फैसिलिटीज़ होती है वो आपको अच्छे से मिल जाएगी। इस कॉलेज में स्पोर्ट्स अकेडमी भी है, जिसमें आप पे करके अच्छे से ट्रेनिंग भी कर सकते हो, और अगर आपको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है तो आप इस कॉलेज के थ्रू स्पोर्ट्स में भी डेवलप कर सकते हो। इस कॉलेज में आप अलग अलग टाइप्स के स्पोर्ट्स खेल सकते हो, जैसे एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, साइकिलिंग, फुटबॉल, फिर हैंडबॉल, जिमनेशियम, खो खो, कबड्डी, स्क्वाश अगर आपको खेलना है तो वो भी आप यहाँ पे खेल सकते हो, ट्वाइकंडो खेल सकते हो, रोलर स्केटिंग, टेनिस, थ्रो बॉल, वॉलीबॉल। तो अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो ये कॉलेज आपके लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स की बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इस कॉलेज में इवेंट्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे होते हैं, जिसमें पार्टिसिपेंट करके आप काफ़ी मज़े भी यहाँ पे ले सकते हो, जैसे अभियंत्रिकी, सिम्फोनी, स्क्रीम्स और भी बहुत सारे कम्पिटिटिव इवेंट्स भी यहाँ पे होते हैं। तो अगर आप टेकिंग पर्सन हो और अगर आपको कुछ इन्वेंट करना है या फिर कुछ बनाना अच्छा लगता है तो इस कॉलेज में आप वो सब कर सकते हो, और यहाँ पर आपको अच्छा फ्रीडम भी मिलता है वो सब करने के लिए। अगर आपको एक बहुत ही अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो फैसिलिटी वाइज आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा ये कॉलेज कौन से कोर्सेज ऑफर कराता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे कुल मिला के 5 UG कोर्सेज है, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इन सारे कोर्सेज में से किसी भी कोर्स में आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करके डिग्री ले सकते हो। इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको सबसे पहले फ़ीस स्ट्रक्चर ज़रूर जान लेना चाहिए, क्योंकि इस कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा है। तो इस कॉलेज की ट्यूशन फ़ी 2,47,788 रुपीज़ है। डेवलपमेंट फ़ीस के नाम पे आप आपको देना पड़ेगा 32,212 रुपीज़ के आसपास। एग्जामिनेशन फ़ीस, फिर कॉशन मनी, लाइब्रेरी डिपॉजिट को मिला के जो टोटल फ़ी होती है वो है 2,86,000 रुपीज़। कॉलेज का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट इसके साथ साथ आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती है। यहाँ पे आपको चांस मिलते हैं इंटर्नशिप वगैरह का, तो जिसका यूज़ करके आप अपने में एक्स्ट्रा स्किल्स भी ऐड कर सकते हो, और आपको बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मिलेंगे। तो जितनी फ़ीस आप पे कर रहे हो उतना आप यहाँ से ले भी सकते हो, और अच्छा प्लेसमेंट भी आप ले सकते हो। तो प्लेसमेंट के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बस आप वीडियो को देखते रहिए। इस कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस कैसी होती है और कैसे आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आपके सामने जो इमेज दिख रही होगी उसमें 4 स्टेप है कुल मिला के। तो फर्स्ट स्टेप में लिखा है कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू अप्लाई इफ़ शी ही हैज़ नॉन जीरो स्कोर फॉर JEE मेन पेपर 1 एंड अप्रैल 2022 सोमिया एंट्रेंस टेंस एग्ज़ाम फॉर इंजीनियरिंग और MST CET 2020। एप्लीकेशन फॉर्म फीस इज 2,000 रुपीज़, विच इज़ नाइदर रिफंडेबल नॉर ट्रांसफरेबल। सेकेंड स्टेप है देर आर फॉलोइंग फेजेस ऑफ एडमिशंस। फेज 1 ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेन, सेकेंड फेज SAT एग्ज़ाम, थर्ड फेज SET
E 2020, फर्दर फेज ऑफ एडमिशन बेस्ड ऑन JEE मेंस बेस्ड ऑफ 2, फिर CET. थर्ड स्टेप है कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ऑल द फेजेस इन सेम एप्लीकेशन फ्रॉम बाय सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शंस यूजिंग टिक मार्क प्रोवाइडेड ऑन कैंडिडेट एलिजिबल रिस्पेक्टिव फेजेस. फोर्थ स्टेप अ प्रोविजनल सेट विल बी ऑफर्ड बेस्ड ऑन मेरिट ब्रांच प्रेफरेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स टेकन टुगेदर द कैंडिडेट विल बी कम्युनिकेटेड वाया ईमेल. तो देखिए गाइस, इस कॉलेज में कॉलेज की एक एंट्रेंस एग्जाम भी होती है, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, या फिर JEE मेंस भी, JEE मेंस के थ्रू या CET के थ्रू भी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो. अगर तब भी आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं होता है तो यहाँ पे प्रोविजनल राउंड्स भी रहते हैं, तो उसके थ्रू भी इस कॉलेज में आपको सीट्स मिल सकती है. बस आपको एक ही काम करना है कि जब भी आप इसमें एडमिशन लोगे तो एक बार बस कॉलेज में इंक्वायरी ले लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि जो कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो देना ज़रूरी है, या फिर आपका CET या JEE के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा. और इसके अलावा आप प्रोविजनल एडमिशन में कितनी सीट्स होती है उसके बारे में भी आप कॉलेज में पूछ सकते हो, आपको इजीली एडमिशन की प्रोसेस वो बता देंगे और सब कुछ समझा देंगे. अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो. तो जो अलॉटमेंट लेटर आता है वो आपको लगेगा CET, JEE मेन या और इस कॉलेज में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका स्कोर कार्ड, 10th और 12th की मार्कशीट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी इफ़ कैंडिडेट बिलोंग्स टू रिजर्व SC, ST, OBC, VJ एंड NT. तो जो कास्ट से बिलोंग करते हैं उन्हें ये देना पड़ेगा. कैंडिडेट हैज़ टू ऑब्टेन द मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम सोमिया मेडिकल डायग्नोसिस सेंटर विद DVR. तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, इनका ही एक सोमिया मेडिकल डायग्नोसिस नाम का एक हॉस्पिटल है वहाँ से, तो वो भी आप वहाँ पे जाके ले सकते हो. आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स, तो ये लगता ही है. इसके साथ साथ महाराष्ट्र स्टेट डोमेसियल सर्टिफिकेट, इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप गैप ले रहे हो तो गैप सर्टिफिकेट, फिर इसके अलावा और भी जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स अगर आपको लगते हैं तो वो सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो तो. तो चलिए अब हम बात करते हैं इस कॉलेज के हॉस्टल्स के बारे में. तो देखिए गाइस, इन कॉलेज के हॉस्टल्स काफ़ी अच्छे ऐसा बोला जाता है, और यहाँ पे जो फूड फैसिलिटीज़ है वो भी काफ़ी अच्छी ऐसा बोला जाता है. तो देखिए, ये जो बिल्डिंग है उसका जो रूम रेंट, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्लस एडमिशन फ़ी वो है 31,000 अप्रॉक्सीमेटली. हॉस्टल डिपॉजिट एंड मेस एडवांस चार्जेस वो है 34,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली. तो ये रफ नंबर्स है गाइज, इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है जैसे जैसे एडमिशन होते हैं, वैसे वैसे हर साल हॉस्टल फीस में चेंज हो सकता है. तो रेंट की फ़ीस आपको 31,000 पे करना पड़ेगा, और हॉस्टल डिपॉजिट और मेस चार्जेस के आपको 34, मतलब 60-70 के आसपास आपको यहाँ पे करना पड़ेगा. तो वो पहले हॉस्टल बिल्डिंग थी और ये दूसरी हॉस्टल बिल्डिंग है. इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो उसके नीचे लिखा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ. तो देखिए, रेंट में लिखा है 9,400 रुपीज़ पर मंथ, और ट्रिपल शेयरिंग रूम्स है. रजिस्ट्रेशन चार्जेस है गाइज 1,000 रुपीज़. डिपॉजिट फॉर हॉस्टल एंड मेस है 13,000 रुपीज़. मेस चार्जेस है 3,350 रुपीज़ पर मंथ, और अगर आपको जिम वगैरह की फैसिलिटीज़ चाहिए तो उसके एक्स्ट्रा 400 रुपीज़ पर मंथ आपको देना पड़ेगा. तो देखिए गाइज, यहाँ पे मतलब ऐसे स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया है कि आपको कितने मंथ का कितना पे करना पड़ेगा, या फिर हर मंथ में आपको कितना पे करना पड़ेगा वो दिया है. तो अप्रॉक्सीमेटली आपके हॉस्टल चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा जा सकते हैं, क्योंकि रेंट वाइज भी ज़्यादा महंगा है और मेस चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा है. पर मंथ आपको कम लगता होगा, बट जब आप 6 मंथ का कैलकुलेट करोगे तो आपको ज़्यादा लगेगा. तो अगर आप हॉस्टल ले रहे हो यहाँ पे, तो पहले अच्छे से इंक्वायरी कर लेना कि कितनी फ़ीस जाती है, और आप एक फर्स्ट मंथ का मत देखना, आप कुल मिला के एक सेमिस्टर या एक ईयर का कुल मिला के देखना, तब आपको एग्जैक्ट फिगर पता चलेगा कि कितना पे करना पड़ेगा आपको इस कॉलेज के हॉस्टल्स के लिए. अब हम बात करेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है प्लेसमेंट्स. तो मैंने आपके सामने एक स्लाइड रखी है जिसमें हाईलाइट ऑफ प्लेसमेंट 2019 और 20 है, जिसमें 76% को जॉब ऑफर्स मिले थे. इसके साथ साथ ये जो प्लेसमेंट है वो अभी भी प्रोग्रेस में है, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि कोरोना पैंडमिक चल रहा है, इसलिए मोस्ट ऑफ द प्लेसमेंट रुके हुए हैं. इसके अलावा हाईएस्ट सैलरी जो गई थी वो गई थी 18.76 लाख रुपीज़ पर एनम. एवरेज सैलरी गई थी 5.57 लाख रुपीज़ पर एनम. 80 रिक्रूट्स हैव विजिटेड आवर कैंपस सो फार, एंड 305 स्टूडेंट्स हैव गॉट जॉब ऑफर विद सैलरी अबो 5 लाख रुपीज़. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ली है, तो इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने बाकी सारे वेबसाइट पे देखा नहीं, मैंने बस ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा है. अगर अभी भी आपको कोई डाउट वगैरह होगा तो आप किसी से कंसल्ट करके, या फिर इस कॉलेज के किसी स्टूडेंट से, या फिर अपने सीनियर फ्रेंड्स वगैरह हो गए तो उनसे भी आप पूछ सकते हो, ताकि आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए.
और एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसमें आपको एकेडमिक ईयर्स में कितनी कितनी कंपनीज यहाँ पे विजिट हुई थी वो दिखेगा। तो 2017-18 में कुल मिला के 81 कंपनीज यहाँ पे विजिट हुई थी, और 2018-19 में 100, और 2019-20 में 86 कंपनीज यहाँ पे विजिट हुई थी। इसके साथ साथ इस कॉलेज में कौन से टॉप रिक्रूट्स है उसकी भी पिक मैंने यहाँ पे डाल दी है, जिसमें हाईलाइटिंग कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, L&T, इन्फोटेक, इन्फोसिस, महिंद्रा, IBM, सुजुकी, एसेंचर, सिस्को पार्टनर, ऐसी कंपनीज यहाँ पे आती है जो प्लेसमेंट्स प्रोवाइड कराती है। अगर हम देखते हैं कि इस कॉलेज का हाईएस्ट और एवरेज पैकेज कैसे वैरी करता है, तो देखिए 2017-18 में हाईएस्ट पैकेज था 12,72,000 रुपीज़ और एवरेज पैकेज था 4,23,000 रुपीज़। 2018-19 में था 15,92,000 रुपीज़ और एवरेज पैकेज था 5,00,000 रुपीज़। 2019-20 में हाईएस्ट पैकेज गया था सबसे ज़्यादा 18,75,000 रुपीज़ और एवरेज पैकेज गया था 5,57,000 रुपीज़। अगर कट ऑफ्स के बारे में हम बात करते हैं तो इस कॉलेज का कट ऑफ्स भी अच्छा खासा जाता है, तो अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो ये कॉलेज आपको मिल सकता है। इसके अलावा मैं डिटेल इस कॉलेज के बारे में कट ऑफ्स का वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है वैसे ही मैं कट ऑफ्स की वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड या फिर कोई भी कॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी क्वेश्चन होता है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके हर एक क्वेश्चन को आंसर करूँ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, ताकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।